चुनाव मैदान में आप क्या मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में? देखिए, सबसे पहला जो हमारा हम लोगों का मुद्दा है हमारी विधानसभा को लेकर, जो हम लोग 18 साल से धूल का गुब्बार हमारे पंधाना विधानसभा में उड़ रहा है। रोड सड़क आप कहीं भी कहीं देख लीजिए, पंधाना विधानसभा में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी रोड की होगी, महिलाओं के लिए, जो आज तक 18 साल में कोई भी हम लोग उद्योग धंधे विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि महिलाएँ भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि वो खेती के काम में ही कारगर साबित होती है, सब पढ़ी लिखी महिलाएं हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा रोजगार लेके आए, ताकि उनके हाथ भी सशक्त कर सके। बेरोजगार युवाओं पे हमारा फोकस रहेगा, 18 साल में कोई उद्योग धंधे नहीं है उनके लिए भी, सबको बाहर जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम ये प्राथमिकता हमारी रहेगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिल्कुल सड़क, इस मुद्दों पे लगातार कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को हमेशा हार ही मिली है, कुछ नया डिफरेंट क्या रहा? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो हमारे कमलनाथ जी सरकार ने 11 वचनों का जो पत्र निकाला है, वो किसानों के लिए एक रामबाण का इलाज है। आप देखिए, किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ होगा, उनके जो भी 5 हॉर्स पावर की जो बिजली का बिल है वो भी माफ़ किया जाएगा, 10 पे हाफ करके दिया जाएगा उनको। सारी सुविधाएँ इस बार वचन पत्र में युवा, बेरोजगार और महिलाओं के लिए पूरा एक खाँचा बना के कमलनाथ जी सरकार ने तैयार किया है। बीजेपी लाडली बहना और इस तरह की तमाम योजनाओं के सारे चुनाव में जा रही है, आप क्या? देखिए, उनकी लाडली बहना अभी ही 3 महीने पहले आई है, और 3 महीने में कितना कर्ज हम लोगों पर लाद दिया है उन्होंने। 1000 के पीछे आप खुद सोचिए कि हम लोगों पर कितना टैक्स और कितनी चीज़ें हमें भरपाई करना पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि लाडली बहनों के चक्कर में या ऐसा कुछ होगा कि लाडली बहनें अब शिवराज सिंह मामा के चक्कर में आएंगी, क्योंकि आप किसान की हालत देखिए, उनके घर के परिवार की हालत देखिए, 1000 के पीछे वो घर में जो किसानी का जो काम है वो कितना रुक गया है। 1000 रुपये आपकी तरफ से 1500 की बात? जी बिल्कुल, देखिए 1500 की बात हमने पहले ही मैनोफेस्टो में कर दी थी, ये कॉपी किया है उन्होंने जो 1000 दिया है, वरना जब हमने ही शुरू में जब 1500 निकाला जी, नहीं मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी को इस तरीके का बर्डन यूज महसूस होगा या बोझ लादा जाएगा उनके ऊपर। आपने अपना मुख्य मुद्दा रोड को बनाया है, और भाजपा का इतने टाइम से विधायक रहने के बाद भी जो भाजपा प्रत्याशी है उन्होंने भी रोड को ही मुख्य मुद्दा बनाया, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? रोड है ही नहीं वहाँ पंधाना में, आप देख लीजिए कहाँ है वहाँ पर रोड। मतलब भाजपा का मुख्य मुद्दा भी जो है वो रोड को लेकर ही है? भाजपा को तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, सारे मुद्दे ही भाजपा के हैं, सारे विरोध में हैं। आप देख लीजिए उनका कौन सा विकास हुआ है हमारे पंधाना में, 6000 करोड़ की बातें करते हैं, क्या करा हमने 6000 करोड़ का वहाँ पे? सिर्फ जो बातें, जो पैसों का आप बताया करते हैं या रुपये, ये सिर्फ कागज़ पे दिखाई देते हैं, ज़मीन पर नहीं।